ओए पुत्र, पापा के बड़े भाई को ना ताया जी कहते हैं। जैसे समीर आपके पापा है ना, तो उनके बड़े भाई यानी आपके जीनी पापा आपके ताया जी हुए, और उनकी वाइफ यानी आपकी मौत आपकी ताई जी हुई। समझे पुत्र? तो मुझे मौज और जीनी पापा ही चाहिए। लेकिन हम तो आपके मौज और जीनी पापा ही रहेंगे ना, सिर्फ नाम बदलेगा, प्यार नहीं बदलेगा, है ना? अच्छा आप एक काम करो, आंखें बंद करो। ये आपके जीनी पापा की किसी आंखें नहीं खोलना, ना नहीं खोलना, आंखें बंद फिर से। और ये आपके ताया जी की किसी, बताओ सेम थी या अलग? सेम। सेम थी ना, तो बस नाम अलग है बेटा। अच्छा अब दोबारा अपनी आंखें बंद करो, करो। ये आपके मौज की हगी और ये आपकी ताई की हगी, कुछ डिफरेंस है? नहीं। तो इसका मतलब आपकी ताई जी और मौज एक ही है। तो आज से हम आपके ताई जी और ताई जी बनके आपके साथ खेलेंगे, होमवर्क कराएंगे, खाना खाएंगे, मस्ती करेंगे, ओके? एग्जैक्टली। आपके मौज और जीनी पापा बनकर अगर हम आपको नहीं मिल सकते, लेकिन आप अपने ताई जी और ताई जी से मिल सकती हो, है ना? थोड़ा सा 1000 बार फोन कर चुका हूँ, उस लड़की को ये मेरा फोन क्यों उठा रही है? तुम मुझे कितना भी इग्नोर कर लो अंजलि, बात तो मैं तुमसे कर ही रहूंगा। क्या है? मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम क्यों बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो? नहीं करनी मतलब नहीं करनी है। अरे बट मुझे तो तुमसे बात करनी है। तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो गया? अंजलि क्या हम कॉफी पीने चल सकते हैं? बस थोड़ी देर के लिए मिलना है तुमसे। मुझे तुम्हारे साथ कॉफी पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मिल्कशेक जो तुम्हें पसंद हो। नहीं। अंजलि क्या प्रॉब्लम है, 2 मिनट मिल लो ना। विवान तुम मुझे कॉल करके परेशान मत करो, मेरे कॉलेज के एग्जाम आ रहे हैं, मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे घर के पास आ जाता हूँ, तुम बस 2 मिनट के लिए बाहर आ जाना। हाँ विवान मेरा मूड नहीं है। अरे वो तुम अपना सामान छोड़ गई थी तो सोचा देने आ जाऊं। हाँ वो नोट्स वहाँ पे रह गए थे, वो राहुल ने आके दे दिया। अंजलि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? एक बार ही तो मिलने को बोल रहा हूँ, तुम मिल लो ना प्लीज। मैंने कहा ना मुझे तुमसे नहीं मिलना मतलब नहीं मिलना, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? बट मुझे मिलना है और मैं तुमसे मिलकर ही रहूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, चैलेंज कर रहा हूँ, आज तुमसे मिलकर रहूं। तो मैं भी तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। कोई दरवाजा ही नहीं खोलेगा तो तुम अंदर कैसे आओगे? दैट इज माय प्रॉब्लम, वो मैं देख लूंगा। अंजलि तुम अभी विवान मल्होत्रा को ढंग से जानती नहीं हो। डोरबेल, एक काम करती हूँ डोरबेल ही बंद कर देती हूँ, वो आके बेल बजाता रहेगा और किसी को सुनाई भी नहीं देगा। बेस्ट। सपना नहीं है, हकीकत है। लेकिन तुम अंदर कैसे आए? डोरबेल भी बंद है और दरवाजा भी। मैडम तुम अपने घर की खिड़की बंद करना भूल गई थी। विवान तुम जाओ यहाँ से, मौज और बॉबजी अंदर सो रहे हैं, अगर वो बाहर आ गए ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आई नो तुम जवाब मांगने आए हो, लेकिन मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे कोई जवाब वाब नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरा फोन उठाओ, मुझसे रेगुलर बात करो और मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, प्लीज ना। डील? विवान डील डील, थैंक यू सो मच। वो कोई आ जाएगा। ओके बाय बाय बाय, चलो जाओ। पुकी बेटा आपके बाल कितने ड्राई हो गए, अब ऑयलिंग नहीं करी? रात को सोने से पहले ना बालों में तेल लगा के चंपी करेंगे, ओके? रबर बैंड लगा दूं, रिबन एंड डन।
अब टिफिन पैक करो, टिफिन बैग में डाल दो। वेरी गुड। अच्छा आईडी कार्ड ले लो। आउच। वेरी गुड। आउच। मौज, आपकी बैंडेज कहाँ है? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि बैंडेज रिमूव करके हाथ की मूवमेंट करने के लिए, तो मैंने सोचा आपके बाल बांध के हाथों की मूवमेंट हो जाएगी, राइट? इंदु ये सब क्या चल रहा है? हाँ? तुझे उंगली क्या दी तूने तो पूरा हाथ पकड़ लिया। तू इस वक्त जून के रूम में क्या कर रही है और किसने परमिशन दी उसे रेडी करने की? सिर्फ ब्रेकफास्ट खिलाने की बात हुई थी ना ये सब? कामना दी मैं थोड़ी बिजी हूँ। सुन इंदु ये सब तेरा नाटक नहीं चलेगा, मैं तुझसे कुछ पूछ रही। हाँ मनोज जी, हाँ जून स्कूल के लिए रेडी हो गई है। आप एक काम कीजिए ना, आप गाड़ी लेके पोडियम के पास आ जाइए, मैं भेजती हूँ उसे। ओके चलो 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 चलो। यस वेरी गुड। एक मिनट डॉली चाची, हॉल में आपका इंतजार कर रही है, चलो जल्दी जाओ। इशियो हगी बाय। आशा जी मौज, ये अंजलि को क्या हो गया? जब देखो अपने ख्यालों में खोई रहती है, शांत शांत रहती है, और ये सब तब से हो रहा है जब से वो इंदु के घर से आई है। क्या हो गया हमारी बच्ची को? मौज अब हमारी अंजलि बच्ची नहीं रही है, बड़ी हो गई है। मतलब ओह अब समझी। मौज अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो रितेश जी के घर पे हमारी इंदु अकेला फील नहीं करेगी, बात को ना आगे बढ़ाना होगा। तो ये बात है, रितेश के घर में इंदु अकेला फील नहीं करेगी। आशा का इशारा राहुल की तरफ है, रितेश का खास दोस्त। इंदु तुझ पर ना ये फालतू की स्टाइल ना सूट नहीं कर रही है। वही तो धोखा खा गई ना आप कामना दी, प्रॉब्लम ना आपकी आंखों में है, जो आपको नेचुरल चीजें भी स्टाइल लग रही है। आप ना स्कूल के टाइम पे किसी भी घर में जाके देखिए, सारी माएं आपको ऐसे ही नजर आएंगी। और आप जिसे स्टाइल कह रही है ना, वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास औरत का स्किल है। दवाई के बल पे बहुत उछल रही है ना तू इंदु, लेट मी टेल यू इट्स अ बिग फेल। और वैसे भी दवाई मैंने बदली है, इस बात का प्रूफ क्या है तेरे पास? कुछ भी नहीं। और ये कि जो तू जून के रूम में मुंह उठाकर आ जाती है, उसको ब्रेकफास्ट करा रही है, उससे बातें कर रही है, ये सब नहीं चलेगा मैडम, समझी? कोर्ट के ऑर्डर्स हैं तुम्हें मानने पड़ेंगे। कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक जून की मौज और उसके जीनी पापा उससे नहीं मिल सकते। एग्जैक्टली उससे बातें नहीं कर सकते। या तो हम कोर्ट के ऑर्डर्स कहाँ तोड़ रहे हैं? अच्छा लगता है तेरी हाथ की चोट का असर ना तेरे दिमाग पर हो गया है। ये जून से मिलना, उसको ब्रेकफास्ट कराना, रेडी करना, ये सब कोर्ट के ऑर्डर्स तोड़ना नहीं है तो क्या है? हाँ कोई नाटक चल रहा है यहाँ पे? नाटक नहीं है कामना दी, ये तो हकीकत है। लगता है तेरे पति की तरह तुझे भी साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। उसके जबान संभाल के बात कीजिए कामना दी, मैं अपने पति के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और रही बात कोर्ट के ऑर्डर्स की, तो जून की मौज और उसके जीनी पापा उससे मिल ही नहीं रहे। अरे क्या पागल हो क्या तुम लोग? तुम नहीं मिल रही हो तो क्या यहाँ पर तुम्हारा भूत था जून के साथ? भूत नहीं कामना दी, जून की ताई जी थी उसके साथ, जो अपनी भतीजी को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। क्या बकवास लगा रखी है तुमने? हाँ बकवास नहीं है कामना दी, सच है। मैं और रितेश जून के ताया जी और ताई जी है। ये क्या नया नाटक है तेरा? हाँ नाटक नहीं है कामना दी। अब आप देखिए, रितेश समीर का बड़ा भाई है और मैं उसकी बीवी, अब इस नाते हम समीर की बेटी के ताया जी और ताई जी हुए, राइट? अब ताई जी होने के नाते सून की देखभाल करना तो मेरा फर्ज है ना। अच्छा कामना दी, सून की ताई जी सोच रही है कि जून के स्कूल से आने के बाद वो उसके लिए कुछ स्पेशल खाने के लिए बना दे। मैं अभी आई।